हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और दमदार वीडियो में। आज हम फिर से एक विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है मेरे प्रियजनों, और यीशु मसीह आने वाले हैं। आपको हर वीडियो में यही बताता चला आ रहा हूँ कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने यही वचन का प्रचार किया, मन फिराओ और सुसमाचार पे विश्वास करो। और यूहन्ना ने भी यही प्रचार किया था मेरे प्रियजनों कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, मन फिराओ। मेरे प्रियजनों, बहुत ही भयानक दिन चल रहे हैं मेरे प्रियजनों, अंत का समय चल रहा है। बाइबल बताती है बहुत सारी कलिसियाएं तोड़ी जा रही, चर्चें तोड़ी जा रही, मसीहों को सताया जा रहा है। इसराइल और हमाम से, फिलिस्तीन से, लेबनान से युद्ध हो रहा है मेरे प्रियजनों। ये सब अंत की भविष्यवाणियां हैं जो जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। बाइबल बताती है दूसरा तीमोथियुस 3:1 से पढ़ देते आपके लिए, 5 तक प्रूफ पर यह जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे कि लोग अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रही, क्षमा रही, दोष लगाने वाले, असंयमी, खूंखार, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी, ये परमेश्वर के चाहने वाले नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे लोगों का रवैया, आज लोगों का रवैया ऐसा ही है, लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है। जब किसी को स्वर्ग और नरक के बारे में बताया जाता है तो बोलते हैं, ब्रदर जी मुझे सब मत बताओ, मुझे सब अच्छा नहीं लगता है, मुझे डर लगता है, कुछ ऐसा बताओ जिससे चंगाई मिले, नौकरी मिले, पैसा मिले, छुटकारा मिले। बस अच्छे ही अच्छे वचन सुनना चाहेंगे। और आज वैसा ही हो रहा है, लोग भक्ति का भेष धर रहे हैं। आज बहुत सारे पास्टर पड़े हुए जो सिर्फ नाम के पास्टर हैं, नाम के मसीह हैं। आज लोग कोई सच्चाई को नहीं बता रहे हैं, बस फालतू की चीज़ें बताई जाती हैं। यदि हमारा उद्धार नहीं हुआ होगा, यदि हम बिना वचन के, बिना सुसमाचार के, बिना उद्धार के मर गए तो हमें सीधा सीधा नरक में जाना पड़ जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मगर ये पास्टर यह बताना नहीं चाहते हैं, यदि हमारा उद्धार नहीं हुआ है, यदि हम विश्वास हमारा अधूरा है, अगर हम बिना उद्धार के मर गए तो हमें नरक में जाना पड़ जाएगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। अगर वो पास्टर सच्चाई बताता है तो डर उसे इस बात का रहता है कि कलिसियाओं में दान आना बंद हो जाएगा, चर्च में दान आना बंद हो जाएगा। आज यही तो हो रहा है। इसलिए समय कम है और दिन बुरे हैं। मन फिराओ और तौबा कर लो। परमेश्वर आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले, हमारा उद्धार होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियजन। आप सोच के देखो, आप पाप करते करते यदि अचानक आप किसी दिन मर गए तो आपको सीधा सीधा नरक में जाना पड़ जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जरा सोचा आपने मेरे प्रियजनों, यदि आप अपना जीवन ऐसे ही पापों में, व्यभिचार में, गुनाहों में बिताते जा रहे हैं, गाली गलौज में, हत्या में, चुगली में, चोरी में, व्यभिचार में, पाप में, लड़ाई झगड़े में, अगर अपना जीवन ऐसे बिताते चले जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि कल क्या होगा, परमेश्वर का वचन कहता है नित्य वचन में, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है दिन भर में क्या होगा। किसी दिन भी तेरी बॉडी से आत्मा निकल जाएगी, देखते देखते उस दिन तेरे सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे, उस समय तुझे कोई दूसरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा, सिर्फ तेरे लिए अंधकार ही अंधकार, नरक की जगह, नरक का स्थान दिया जाएगा भी हमेशा हमेशा के लिए। प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पहले कह गए थे कि तुम प्रार्थना करते रहना, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। वो घड़ी सुबह की भी हो सकती है, रात की भी हो सकती है, दिन की भी हो सकती है, किसी भी समय ये समस्या आ सकता है। मन फिराओ, लौटाओ, पश्चाताप कर लो, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। इस वीडियो को शेयर करना। आप सभी को जय मसीह की। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। गुड लक।